ऐसा होने नहीं। हे बाके बिहारी, इस घर में तो कुछ सुने ना हमारी। अरे हम जब पूछने के लिए कह रहे हैं बिटिया से, वो आप पूछ लो। अरे इतना कहा झिझक रहे हो? अरे बात ही तो करना है, अगर आपसे ना हो सके ना तो हम कबूल, हम बात कर लेंगे। तुम रहने दो निर्मला, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। अब अपने हिसाब से बात करो या किसी और के हिसाब से, पर हमने ना अंबिका जी से वादों कर दियो है। मुझे पता है निर्मला, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी एक बेटी की जिंदगी बसाने के लिए मेरी दूसरी बेटी को कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो वो बाद में पछताए। वाह वाह जेठ जी, कमाल करते हो। अब इतना भी बिटिया से का प्रेम है कि उसके आगे पीछे की जिंदगी के बारे में कछु नहीं सोचते हो? अभी बच्ची ना है, हाँ उसको भी लाश शर्म तो आनी चाहिए ना। अब ऐसी जिंदगी कब तक काटेगी? अरे जब उम्र बीत जाएगी ना तो कोई छोरा ब्याह भी नहीं करेगा, और महेशवा तो राजी था। अरे हमारी तो जे भी बात हुई है कि उसको कहीं दुकान सुकान भी दिला देगा, और मेरी तो आज ही बात हुई है, अगर आप कहो ना तो हम बात कर लेते हैं। नहीं तुम रुको, पहले मैं देवयानी से बात करता हूँ। ये गलत, मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं, माँ ऐसा कैसे कर सकती मेरे से? भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो माँ मेरे डिसीजंस ले। आप तो जानते हैं ना, इस घर के सारे फैसले वही करती है। नहीं माँ, ये गलत, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का हक मैं किसी को नहीं दे सकता। मुझे माँ से बात करनी है। कर लेंगे। है, पता नहीं माँ, माँ से बात करने में डर नहीं अड़चन, अगर वो इमोशनल हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। हाँ उनके आंसू गिरेंगे और यहाँ मेरा रहा साहब कौन से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी क्या कर। आप ही मेरी मदद करो ना। आपके उनका नाम क्या है? देव। छोड़ो क्या फर्क है, अभी तो ये सोचने दो कि माँ को ये रिश्ता तय करने का क्या करो। क्या बात है, सब लोग इतने गुमसुम क्यों हैं? आज तो खुशी मनाने का दिन है ना। देवयानी बेटा। हाँ पापा।